मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज कुछ राजनीति खबरों पर चर्चा करते हैं। आज सुबह से लालू प्रसाद यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी बहुत सक्रिय हो गया है और कल ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, अपने से तोड़ा, उन्होंने नहीं तोड़ा। वो बार बार कह रहे हैं जेडी जेडी आरजेडी। तेजस्वी यादव ने भी आज कहा कि हमने नहीं हत्या नहीं की है गठबंधन की, नीतीश कुमार ने हत्या की। वो क्यों की है, वो मुझे लगता है कि जो आज का ईडी ने जो आज छापेमारी की है, शायद इसका इंडिकेशन नीतीश कुमार को बीजेपी ने दे दिया हो कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, तो आप पर भी कलंक लगेगा कि आप एक भ्रष्टाचार गठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। और चूंकि नीतीश कुमार जब 2022 में गठबंधन छोड़कर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और अब वो बीजेपी के साथ आए तो लोग बड़े उनके मीम बना रहे हैं। कोई कह रहे कि उन्होंने थूक कर चाटा है, कोई कुछ कह रहे, कोई पलटी मार, कोई पलटू राम, इस तरह के उनके मीम्स छप रहे हैं। तो आज जो सुबह से लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई ईडी गई है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, करीबन 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई है, और उस पर सवाल भी उठाए कि बीमार हैं, उनको दवाई देने नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर मीसा आई, फिर मीसा ने बात की, फिर उनकी बेटी जो सिंगापुर में बैठी हुई है रोहिणी, उन्होंने ट्वीट किया। तो इस तरह की बातें दिन भर चलती रही, और अब बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हो रही कि भ्रष्टाचार को छोड़ा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी किसी को छोड़ते नहीं है। और इधर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर ईडी ने उनसे पूछताछ की, और उनसे भी एक जो सरकारी जमीन है गुड़गांव की, फरीदाबाद की, जिन पे आरोप है कि उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा को सरकारी जमीन यानी पंचायत की जमीन दी थी, उसके भ्रष्टाचार को लेकर हुड्डा से पूछताछ चल रही। और एक और पूछताछ जो झारखंड के सीएम हैं शिबू सोरेन, उनके खिलाफ जांच चल रही है। 10 बार उनको ईडी ने समन भेजा लेकिन वो नहीं आए। पिछले हफ्ते जब उनको समन भेजा गया था, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में, हमारे बंगले पर आकर पूछताछ, तो फिर ईडी उनके घर गई और वहाँ उनसे पूछताछ हुई। तो उनको 31 जनवरी को दिल्ली में हाजिर होने को कहा गया है, और आज दिल्ली में जो सीएम का बंगला है, उस बंगले में आज ईडी की टीम घुसी और करीबन 2 घंटे बाद ही उन्होंने अहम कागजात छांटे, उनकी तहकीकात की, उनकी उन्होंने जो कागज़ मिले हैं उनकी एनालिसिस किया। तो ऐसा लग रहा है कि जो अपुष्ट सूचनाएं मिल रही हैं कि झारखंड में कोई सेना की ज़मीन है, उस ज़मीन की खरीद फरोख्त में हेमंत सोरेन ने कुछ घोटाला किया है, उसी घोटाले के सिलसिले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और उनको समन भेज रही है। 10 बार समन भेज चुकी है, वो नहीं आए। केजरीवाल को भी समन भेजा गया, तो इस बार केजरीवाल ने, पिछली बार तो उन्होंने कहा था वो गोवा जा रहे हैं, इस बार भी ऐसा सुनने में आ रहा है वो कहीं और जा रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो हेमंत सोरेन के तीन ठिकानों पर आज छापे पड़े हैं, और ये भी पता चल रहा है कि जो हेमंत सोरेन के घर पर, दिल्ली वाले घर पर, एक एचआर नंबर की एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हुई, और उस मर्सिडीज को ईडी वाले लेकर चले गए। अब उसमें एक और बात आई है अभी कि बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हो गया, तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, तो बीजेपी चाहती है कि उनका विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का हो, सत्ताधारी दल हो, क्योंकि जो अभी जो अध्यक्ष हैं वो अवध कुमार, वो आरजेडी से हैं, तो अगर विपक्ष का कोई स्पीकर होगा तो फिर वो सत्ता बदल सकता है, इतनी पावर होती है। तो इसलिए उनको हटाने को बोला गया, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो 10 फरवरी को सेशन होगा और उस सेशन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा और स्पीकर को हटाया जाएगा, यानी अपमानित करके उनको हटाया जाएगा। अच्छा है कि अवध कुमार खुद इस्तीफा दे दें और
उसके बाद वो फिर सत्ताधारी दल है वो अपना स्पीकर बनाए। ये कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर आप इस बार आपने बीजेपी को वोट डाला तो फिर समझो कि ये आखिरी चुनाव होगा और उसके बाद फिर दोबारा से देश में चुनाव नहीं होगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, इस तरह का आरोप लगाया है और वो लोगों को परगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की हो सकता है, लेकिन ऐसा लोकतंत्र है हमारा देश। हमारे देश का अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया है और 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो इस गणतंत्र दिवस में अगर हमारे देश को हमारी जो लोकतंत्र है फल फल फलीभूत हो रही है, तो इसलिए हमें आशंका व्यक्त नहीं करनी चाहिए हमारे देश में फिर कभी ऐसा राज आएगा जो हम गुलाम हो जाएंगे। हालांकि 21 महीने का वो एक काला अध्याय हमारे लोकतंत्र पर है कि जब 1975 में हमारे देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और हमारी लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, और फिर आंदोलनों के कारण फिर 1977 में यानी 21 महीने बाद फिर हमारे देश में चुनाव हुए और फिर सरकार बनी। हालांकि 2080 फिर 1980 में फिर सरकार लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट डाल दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो काला अध्याय है वो कभी भी इतिहास से मिट नहीं सकता है। तो मित्रों ये तो हुई हमारी पॉलिटिक्स की बात, और अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाते बात करते हैं। उत्तराखंड में 2 फरवरी को UCC यानी समान नागरिक संहिता पर समिति बनी है जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में, वो अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को दे रही है और 5 फरवरी को सेशन है, स्पेशल सेशन है 5 और 6 का, 2 दिन का। उस सेशन में UCC विधेयक पास किया जाएगा तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा देश का जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। ये आज़ादी की बात है, आज़ादी से पहले, और जब गोवा बना था वो पुर्तगाली वहाँ शासन था तब से लेकर, और जब गोवा आज़ाद हुआ यानी 1963 के आसपास जब गोवा आज़ाद हुआ तो तब से ही वहाँ UCC लागू है। तो उसके बाद हमारे देश में वैसे चूंकि वो तो पुर्तगाली करके गए थे, पर आज़ाद देश में पहली बार उत्तराखंड में UCC लागू होगा। और अभी जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी कहीं अनाउंस किया है कि देश में CAA भी लागू हो रहा है, यानी जो हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो भी लागू हो रहा है। और गिरिराज सिंह ने भी बोला है कि इसके अलावा फिर हमारे देश में NRC भी लागू हो रहा है, यानी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन है, यानी जो जनसंख्या रजिस्टर बनेगा, जो नेशनल आइडेंटिटी बनेगी वो NRC से बनेगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, तो वो भी लागू होगा। इस तरह से उन्होंने बात कही। तो लगता है 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो इन सब मुद्दों पर ही होगा, राम मंदिर जो मंदिर बन चुका है, दूसरा CAA, तीसरा NRC और चौथा ये जो ED छापेमारी कर रही भ्रष्टाचार को लेकर, वो भी बहुत बड़ा इशू बनेगा। तो ये 2024 के बहुत बड़े इशू होंगे। उसके अलावा मित्रों एक और खबर पर चर्चा करते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने आज बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम, उनका जो 7वां प्रोग्राम था ये, और इस प्रोग्राम को उन्होंने आज करीबन 2.5 करोड़ लोगों ने बच्चों ने रजिस्टर किया था, और भारत के मंडपम में जो भारत मंडपम है उसमें इसको जो प्रधानमंत्री ने कहा कि स्ट्रेस कैसे कम करें, और उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती की तरह लेना चाहिए, और जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को उसको अपना विजिटिंग कार्ड नहीं मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और बच्चों से इन्होंने जो मुझे लगा कि जो सबसे अच्छी बात उन्होंने कही है कि स्वस्थ रहें, मानसिक और शारीरिक रूप पर स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वस्थ खाना खाएं, स्वस्थ निंद्रा लें, योग करें, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा पढ़ें, और भविष्य की सोचें, भविष्य के लिए कंपटीशन अपने आप से करें, दूसरों से नहीं करें। अगर दूसरों से कंपटीशन करेंगे तो फिर पीड़ा होती है, इसलिए अपने से कंपटीशन करें कि मैंने मेरी परफॉर्मेंस क्या है, उस परफॉर्मेंस के आगे से आप आगे चले। तो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बातें बताई।
और आज राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होगा, और ये 56 सीटें जो हर 2 साल में 56 सीटें खाली होती है, यानी वन थर्ड सीटें खाली होती हैं, और उसमें भाजपा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, इनकी कार्यकाल इनका ख़त्म हो रहा है, तो इनकी जगह अब नए लोग चुनकर आएंगे। तो देखते हैं इसमें, क्योंकि बीजेपी की तो पॉलिसी की 2 से ज़्यादा चांस नहीं देते हो, लेकिन नड्डा चूंकि बीजेपी प्रेसिडेंट है तो उनको तो चांस देना ही पड़ेगा। और आज इन्होंने बड़ी बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए आखिरी मौका है, और नहीं तो फिर अगली बार चुनाव नहीं होंगे। और वो प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं कि वो तानाशाह है, तो इसलिए वो ये सरकार फिर ऐसे ही रह जाएगी, यानी वह फिर बीजेपी की सरकार रहेगी। इस तरह के आरोप तो खैर विपक्ष लगाता ही रहता है। और मित्रों, भारतीय युद्धपोत ने अपहृत जहाज को सुरक्षित बचाया है, ये हमारी नौसेना ने काम किया है, और हमारी नौसेना लगातार जो अदन की खाड़ी है वहाँ लगातार इस तरह की जो समुद्री डकैते हैं, सोमालिया के डकैते हैं, उनसे हमारे जहाज़ों को और जो हमारे कमर्शियल जहाज़ हैं उनको बचा रही है। तो मित्रों, आज एक और खबर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि मालदीव में मुइजू सरकार पर संकट के बादल हैं। आज वहाँ जो अपोजिशन है उन सब ने मिलकर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है, और आज वहाँ बड़ी मारपीट हुई है, ऐसे कि जैसे गलियों में, मोहल्लों में जैसे पिटाई होती है, ऐसे एमपी एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे, और स्पीकर के कान पर वो जो पिपरी होती है, जो लाउड स्पीकर होता है, जो हमारे बच्चों का खिलौना होता है, वो स्पीकर के कान पर बजा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आज मालदीव की संसद में हुआ, और बड़ी इंटरेस्टिंग केस वहाँ चल रहा था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।